हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इंडिया विक्स लगभग 12 पॉइंट के फॉल के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है। 13.29 पे बहुत ही ज़्यादा फॉल हो चुका है और डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी में उस हिसाब से रैली भी हम देख रहे हैं। अगर इंडिया विक्स इन्हीं लेबल्स के आसपास में रहता है तो डेफिनेटली आप 16,236,000 इन लेबल्स पे जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा थर्ड वेव ऑफ कोरोना जिसकी बात चल रही है, थोड़ी बहुत पैनिक तो बढ़ेगी। सो इस लेवल पे ज़्यादा दिन तक टिके रहेगा इंडिया विक्स या इस हफ्ते तक भी टिका रहेगा, इसमें तो डाउट है। सो एक्सपेक्टेशन रखें मंगलवार वगैरह के बाद में 14-15 के पास में आता हुआ फिर से नजर आए। निफ्टी लगभग 60 पॉइंट्स के अप मूव देखते हुए लगभग 15,850 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी फ्यूचर में 30 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं प्रीमियम। बैंक निफ्टी 35,334 पे एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,471 यानी लगभग आप देखेंगे तो 130 पॉइंट्स का प्रीमियम आपको यहां पे भी देखने को मिल रहा है। सो दोनों प्रीमियम में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितना मई महीने में होता था। जून महीने में प्रीमियम काफ़ी कम था। सो फॉर एग्जाम्पल निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट्स के प्रीमियम वो नहीं देखने को मिल रहे। बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट के प्रीमियम वो देखने को नहीं मिल रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। डेरिवेटिव डेटा में क्या हुआ है, लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ी सी बढ़ाई गई है 79.96%, माफ करिएगा ये कम हो के आई हुई है, ये बढ़ाई नहीं है कम हो के आई है, -2.17% है। सो 79.96% के आसपास में लॉन्ग पोजीशन नजर आ रहा है FII का। अब इसमें हुआ ये है कि शनिवार को जो पोजीशन थी थर्सडे को जो पोजीशन थी एक्सपायरी के चलते हुए वो पोजीशंस कम हुई, लेकिन फ्राइडे के दिन में पोजीशंस बढ़ाई गई तो उसके अंदर में शॉर्ट साइड की पोजीशंस को ज़्यादा बढ़ाया गया एंड लॉन्ग साइड के पोजीशंस को कम बढ़ाया गया, जिसके चलते हुए हम 80% के आसपास में है। एनी हाउ 80% नॉर्मल या मैं बोलूँ सही जगह नहीं है FII जहाँ पे रहते हैं, एवरेज जो जगह नहीं है 60%, 62%, 5% एवरेज जगह है। सो डेफिनेटली शुरुआत करने के लिए हमने 82.12% से शुरुआत की है, बट यहाँ से FII अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम करेंगे या तो शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाएंगे, दूसरे की चांसेस ज्यादा है जहां से शॉर्ट पोजीशन बढ़ते हुए नजर आ सकता है। इंडेक्स के अंदर में लगभग 858 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके एक दिन पहले 1780 करोड़ की खरीदारी थी, 858 करोड़ की अब बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ 44 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। ये जो डेटा आपके देखने को मिल रहा है इंडेक्स फ्यूचर में 858 करोड़ की बिकवाली, और उसके बाद में भी जो अगर आप खरीदारी भी देखेंगे तो डेफिनेटली 1780 के आई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके नीचे भी आप देखें तो बिकवाली के नंबर्स जो आते रहते हैं, ये एक रीज़न है जिसके चलते हुए इंडेक्स आपके हायर साइड में प्रेशर फील करेगा। दूसरा रीज़न लगभग 80% के आसपास में FII का लॉन्ग पोजीशन। सो ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करना एक बार सही डिसीजन होगा, एक बार आप उसे प्रॉफिट बुक करिए, शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। FII ने 679 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में भी, DII 1832 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। तो DII की तरफ से बढ़िया नंबर्स आए हुए हैं, सो आप DII को डेफिनेटली पॉजिटिव लेके जाएंगे, लेकिन FII के जो नंबर्स हैं 858 करोड़, 679, तो लगभग आप ले लीजिए इसे 850 एंड 700 करोड़ की बात कर लीजिए। सो आपको 1550 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है, 1550 करोड़ FII निगेटिव में है, उसी जगह पे 1832 करोड़ पॉजिटिव में आपको DII देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.20 के आसपास में देखने को मिल रहा है। अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें, थोड़ा सा घट के आया हुआ है 1 बेसिस पॉइंट से। रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ है कि पुट कॉल के अंदर में आपको कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। सो जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो इंडिकेशंस अभी तक तो यही मिल रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे राइटिंग हो रही है, ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग एक बार देखने को मिल सकता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो डेफिनेटली ये ऊपर के लेवल्स भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सो अगर हम बात करें FII की, FII अभी भी पैसे डालने के मूड में नहीं है, नेगेटिव इंडिकेशन में है। DII पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल। अगर मैं इंडिया विक्स के बारे में बात करूं तो इंडिया विक्स आपको यहां पे पॉजिटिव इंडिकेशन, 10% का फॉल बड़ा फॉल होता है, इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में आ रहा है और पुट कॉल रेशियो आपका न्यूट्रल है। इन सबके
हिंट से ही कल की शुरुआत हम करेंगे। डेफिनेटली एक दूसरा भी एक हिंट होगा जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल मार्केट। सो ग्लोबल मार्केट पे नजर रखिए, 8:45 9 o'clock के आसपास में जैसा वो काम करेगा, प्लस इनको मिक्स करके हम शुरुआत करेंगे कल दिन का। हमने पोजीशन कौन सी बनाई थी? कोई भी पोजीशन हमने नहीं बनाई हुई थी। रीजन बिंग एक दिन का ब्रेक लेना था। अगर दो चार ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉस में गए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सो डेफिनेटली उसे करेक्शन के लिए एक दिन का ब्रेक लिया, मंडे से अगेन विल स्टार्ट ट्रेडिंग। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको सारे ट्रेड्स आपको मोबाइल पे मिल रहे होंगे, यूट्यूब पे, कम्युनिटी ऐप पे या तो व्हाट्सएप पे डिलीवर हो रहे होंगे। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। फिलहाल तक अभी हमने जितना भी ट्रेड शेयर किया लगभग 74% सक्सेस रेशियो के साथ में है। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर में, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में कौन से लेबल्स दिखा सकता है। एंड एज प्रॉमिस डेफिनेटली इस वीडियो से आपको तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको दो तीन दिन में कुछ हरकत दिखाते हुए नजर आ सकते हैं चार्ट के ऊपर। वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। नाउ निफ्टी के बारे में बात करें तो दो दिन का फॉल एंड उसके बाद में दो दिन की रिकवरी सेम वे में देखा जा सकता है, लेकिन इस मूव के चलते हुए निफ्टी एक बार फिर से हायर रेंज के पास में पहुंच रहा है। वो हायर रेंज क्या है आपके लिए? 15,900 से लेके 15,950। सो डेफिनेटली पहले सेल की बात कर लेते हैं। अगर इन लेवल्स के आसपास में मिले तो हमें शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास में। थोड़ा सा मैं डीप ले जाऊंगा, 15,900 के पास से नहीं, हम 15,930 से लेके 15,960 के रेंज में एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस होगा 16,030 का। एंड जो टारगेट आपके लिए बनेगा, जब भी फॉल हमें देखने को मिला इस मार्केट के अंदर में, फॉल शार्प देखने को मिला, बड़ा फॉल देखने को मिला है, सो जो टारगेट बनेगा वो टारगेट आपका फॉल शार्प बनते हुए नजर आ सकता है। पहला टारगेट आपके सामने जो नजर आएगा वो 15,825 का मिल सकता है। दूसरा टारगेट लगभग आपको 15,770 के आसपास का मिल सकता है। और अगर इससे ज़्यादा फॉल हुआ तो डेफिनेटली एक 15,730 एक फाइनल टारगेट बनते हुए आएगा। 15,700 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल, लेकिन एक टारगेट 15,780 का भी 680 का भी बनता है, लेकिन फिलहाल उसके नीचे जाते हुए थोड़ा सा मुश्किल है। सो अगर इन लेवल्स के आसपास में आते तो ट्रेल कर लीजिए उसे या प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। अगर लॉन्ग करना है तो क्या इन लेवल्स के आसपास में लॉन्ग करना चाहिए क्या? मैं इन लेवल्स के आसपास में लॉन्ग करने की नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा या ना बोलूंगा क्यों? आप देखिए, पहले एक बार वहां पे तीन अटेम्प्ट करने के बाद में ही ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट आई मीन टू से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, फिर आपने यहाँ पे फिर से प्रॉफिट देखने को मिली और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिली। इस बार हमारा थर्ड, यानी अगर आप देखें तो ट्रिपल टॉप बनाते हुए नजर आएगा अगर 15,900 के आसपास में जाता है। अगर 15,900 सस्टेन कर जाता है तो आपको डेफिनेटली वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो लेवल 16,100 16,200 तक जाएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस रखना कंपलसरी है शॉर्ट पोजीशन में। सो लॉन्ग पोजीशन की क्या करें? अगर 15,900 सस्टेन करता है तो एक रिस्की ट्रेड लिया जा सकता है, एक ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। वो ट्रेड आपका बनेगा 15,900 सस्टेन करने के बाद में, एक बार 15,900 को क्रॉस करने, 950 को क्रॉस करने दीजिए। सो ट्रेड बनाइए इसके अंदर में, बाय करिए, लॉन्ग करिए। आपको जो स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस 15,890 के आसपास का रहेगा, और जो टारगेट आपके लिए बनेगा वो टारगेट ऊपर की तरफ में 16,150 के आसपास का बनता हुआ नजर आ सकता है। एक बार 16,030 क्रॉस किया तो ये लेवल आपको 100% देखने को मिलेगा। पहला टारगेट 16,100, सो सिंस अब हम 16,000 के आसपास में जा रहे हैं, डेफिनेटली 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट के लिए ट्रेड बनता नजर आएगा। दूसरा, मान के चलिए ये फॉल हुआ, फॉल होने के बाद में अगर आपको इनिशिएट करना है, नया लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए और सही लेवल जो आपको एंट्री करने के लिए होगा अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, सो दैट इज अराउंड 15,780। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो 15,700
जो कि माफ करें 15,680 से लेके 15,700 का जो रेंज है उसके आसपास में एंट्री लीजिए। दोनों के लिए सेम स्टॉप लॉस बनेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ 15,650 टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो और नीचे जाने के चांसेस बनते हैं, फिर 15,564 ये लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट के बारे में बात करें तो ऊपर की तरफ आपको, अगर आप पोजीशन 15,680-700 से बना रहे तो पहला टारगेट आपके लिए 15,780 का होगा। अगर आपने एग्रेसिव ट्रेड लेके 15,780 के आसपास का बनाया हुआ टारगेट, देन डेफिनेटली आपके लिए जो पहला टारगेट पिक्चर में आएगा वो 15,825 के आसपास का बनेगा। दूसरा टारगेट आपके लिए जो बनेगा वो 15,900 के आसपास का बनते हुए नजर आएगा। सो ये तीन ट्रेड इन केस अगर 15,950 सस्टेन किया ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे, 15,930-960 अगर यहाँ से नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है तो ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, और अगर नीचे की तरफ मार्केट मिला तो ये ट्रेड निफ्टी के अंदर में इनिशिएट कल के दिन में हमें करना चाहिए। अगर डेली कैंडल पे चलते हैं तो डेली कैंडल पे आपको हैमर तो नहीं बोलेंगे और डोजी भी नहीं बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल को, तो डेफिनेटली नीचे की तरफ से थोड़ी सी आपको गेन देखने को मिली हुई है। क्या इस गेन के चलते हुए, क्या इस बाइंग बैक के चलते हुए ऐसा मान के चले कि ब्रेकआउट होगा क्या, ये बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी और उसके बाद में डोजी बनता हुआ नजर आया था। कल के दिन में भी बढ़िया रिकवरी, फ्राइडे को बढ़िया रिकवरी देखने को मिली हुई है। पूरा चांसेस है 15,900 रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो ऑलरेडी लेबल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उस पर नजर रखिएगा। हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए नजर आया जो कि पॉजिटिव पैटर्न माना जाता है निफ्टी के अंदर में या किसी भी इंडेक्स के अंदर में। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के ऑलरेडी हमने काफी इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है लाइव सेशन में, बट 15,860 के आसपास की क्लोजिंग हुई है तो 15,900 को एट द मनी ले रहे हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट 15,900। बहुत ज्यादा पोजिशन तो बनते हुए नजर नहीं आई हुई है, लेकिन जो पोजिशन बनी है उसके अंदर में आपको ये दिखेगा कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव हैं इन लेवल्स के आसपास। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, 31,957 का आपको ओपन इंटरेस्ट 15,900 पे एंड पुट साइड में 32,385 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सेम वे पुट साइड में अगेन 15,700 पे आपको 32,592 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर 16,000 की बात करें तो 42,350 एंड देन उसके नीचे 16,200 पे लगभग 33,340 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। अब नैरो रेंज की बात करेंगे तो आपको सीधा दिखेगा कि 16,000 के ऊपर में एंड एट द सेम टाइम 15,700 के ऊपर में, ये दोनों रेंज के ऊपर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो 15,700 भी टूटना नहीं चाहिए, 16,000 भी नहीं टूटना चाहिए। उसके हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ी 15,950 से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, 15,700 से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन 16,200 पे भी अच्छी राइटिंग हुई है। यही रीजन है कि ब्रेकआउट के लिए हमने एक अलग से ट्रेड डिसाइड किया है कि अगर ब्रेकआउट मिला तो 16,200 के टारगेट के लिए, 150 के टारगेट के लिए काम करना चाहिए। स्ट्रगल काफी कम देखने को मिल रहा है, 119 पुट का आप प्रीमियम देख लीजिए, कॉल का प्रीमियम देख लीजिए 119.32 माफ करिए इसे लेंगे क्योंकि क्लोजिंग तो वहां पे हुई है, तो 1900 पॉइंट का स्ट्रगल आप ले लीजिए। 15,850 से आ रहा है 16,050 और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 15,650 का स्ट्रगल बनता हुआ नजर आया। सो रेंज जो जबरदस्त या बेहतरीन रेंज हो सकती है, पहली छोटी रेंज 15,800 से 16,000 की बनती है, दूसरी रेंज 15,700 से 16,100 16,150 के बीच की बनती आ रही है निफ्टी के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टॉक जिसके बारे में हम इंट्राडे के अंदर में हम कुछ काम कर सकते हैं या दो तीन दिन के अंदर में ये स्टॉक्स के अंदर में आपको ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। पहले स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ये वेदांता है, VEDL की बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ, रीजन भी यहाँ पे हर डिप में बाय होते हुए नजर आया हुआ है एंड अब जो डिप देखने को मिला ये लगभग जो सपोर्ट पॉइंट था 240 उसके पहले ही बाउंस कर गया। ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट 280 के आसपास का बनेगा, बाइंग प्राइस 260 के आसपास की बनेगी और जो स्टॉप लॉस बनेगा लगभग 255 के आसपास का। पूरे चांसेस बनते हैं कि एक बार ये 280 के आसपास जाए, अगर 280 सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ 290-295 का भी टारगेट सेकंड इसके अंदर में बनता हुआ नजर आएगा वेदांता के अंदर में। सेकंड बात करें टाटा केमिकल, हाल ही में काफी अच्छा ब्रेकआउट देके अच्छी मूवमेंट दी थी इसने, उसके बाद में जो फॉल आया 6 में से एक
ट्रायंगल पैटर्न के बीच में काम करते हुए नजर आ रहा है। ये ट्रायंगल के एंड पे हम पहुंच चुके हैं। जब भी ट्रायंगल के एंड में पहुंचे और अगर वॉल्यूम देखने को आपको मिले तो वहां पे आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। सो ये टाटा केमिकल आपके लिए एक अच्छे मूव की तैयारी कर चुका है। एक दो दिन के अंदर में यहाँ पे आपको बढ़िया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर मिला तो लगभग आपका पहला टारगेट बनेगा 790 के आसपास का। अगर फॉल देखने को मिलता है और नीचे की तरफ 670 को तोड़ देता है तो आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा लगभग 560 के आसपास का बनता आएगा टाटा केमिकल्स के अंदर में। वैसे मूव देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि टूटेगा, बट इवन देन ट्रायंगल बन रहा है, वॉल्यूम जिस तरफ घूमेगा डेफिनेटली वहां पे मूव बनते हुए आ सकता है। थर्ड स्कॉट्स की हम बात कर सकते हैं। स्कॉट बात करें तो फॉल के बाद में, बढ़िया फॉल के बाद में, उसके बाद में एक लोअर लो बनाते हुए, हायर हाई पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। वॉल्यूम जो आया है ठीक ठाक वॉल्यूम आया है फ्राइडे के दिन में, और ये जो ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए इवन एग्जैक्टली वहां पे 1157 के आसपास में सपोर्ट लाइन भी था, वहां से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। सो पहला टारगेट जो इसके लिए बनेगा यहां से लगभग 20 पॉइंट्स, लेकिन 20 पॉइंट्स के लिए यहां पे काम नहीं करना है, यहां पे आपको 1233 रुपए के आसपास का एक टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 1233 के टारगेट के लिए स्कॉट्स के अंदर में काम किया जा सकता है, स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट 3 स्टॉक्स जिसके अंदर में इस वीक के अंदर में थोड़ी हलचल आती हुई नजर आ सकती है। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा, होप आपने वीडियो को भी लाइक किया रहेगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर किया रहेगा। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो एंड आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय।